IPL की जब शुरुआत हुई तो मुंबई इंडियंस 9वें नंबर की टीम थी और सारे फैंस ये कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस इस साल फिर निपट जाएगी। लेकिन मुंबई इंडियंस ने जो जलवा दिखाया है, जो खेल के आया है, लग रहा है कि सारे दरवाजे तोड़ते हुए वो सीधा अंदर घुसेगी और सीधा फाइनल में पहुंचेगी। अभी प्लेऑफ का मैच चल ही रहा है, मुंबई इंडियंस फाइनल नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरह वो खेल रही है लग रहा है कि फाइनल में जाके सीधा CSK को हराएगी। अब मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस यहां पे LIC के अगेंस्ट इससे 3 मैचेस पहले हार गई थी और ये चौथा मैच था जो कि प्लेऑफ का सबसे बड़ा मैच था और मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट को भाई पटकनी दे दी और वो भी ऐसी पटकनी थी कि सारा ऑल आउट कर दिया और ऐसी पटकनी दे रहे थे जैसे लग रहे थे कि लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर्स जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं इनके सामने, क्योंकि एक भी प्लेयर यहां पे नहीं चल रहे थे और जो चल भी रहे थे वो रनआउट हो रहे थे और रनआउट भी ऐसे कि बहुत ही फनी तरीके। अब यहाँ पे गंभीर ने एक बार कहा था कि मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा कैप्टन एक ऐसे इकलौते कैप्टन है जिसने उसकी रातों की नींद हराम करके रख दी थी और वैसा ही यहाँ पे हुआ। कल के मैचेस में यहाँ पे जब गौतम गंभीर के चेहरे पे कैमरा फोकस किया जा रहा था तो गौतम गंभीर का चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा था और उस मायूसी के पीछे उसका डर नजर आ रहा था, जो उसे डर पहले सता रही थी वही डर फिर से एक बार यहाँ पे गौतम गंभीर को हुआ और गौतम गंभीर मैच हार गया और मैच भी ऐसा हारा कि मतलब सोच भी नहीं सकता था गौतम गंभीर कि मुंबई इंडियन के अगेंस्ट वो लोग ऐसे ऑल आउट हो जाएंगे। ना उनके स्टार बल्लेबाज चले कोई भी यहाँ पे, ना बदोनी चले, स्टोइनिस तो गलत तरीके से आउट हो गए रन आउट, ना दीपक हुड्डा चले, यहाँ पे कोई भी नहीं चले। तो गौतम गंभीर तो बहुत ज्यादा मायूस थे। उसके साथ साथ एक प्लेयर और मायूस था, वो था हार्दिक पांड्या का भाई कृणाल पांड्या। स्टार्टिंग में जब विकेट ले रहे थे नवीन उल्लख, उस समय कृणाल पांड्या को लग रहा था कि मुंबई इंडियंस को बहुत कम रनों पे निपटा देंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस के जो बैट्समैन थे, स्टार बैट्समैन कैमरन गिन और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद जो आया निहाल वदेरा और तिलक वर्मा, उन दोनों ने पारी संभाली। यहाँ पे रोहित शर्मा तो बहुत गलत तरीके से आउट हो गए थे नवीन उल्लख के, लेकिन नवीन उल्लख के लिए मानना पड़ेगा कि उसने कल 4 विकेट लिए जिसमें 3 स्टार बैट्समैन यहाँ पे शामिल थे, उसमें से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और कैमरन गिन, ये तीनों ही ऐसे स्टार बैट्समैन थे जिनका विकेट। अब यहाँ पे रोहित शर्मा चिंता में थे कि यहाँ पे मुंबई इंडियंस का स्कोर कैसे आगे बढ़ाया जाए, तभी निहाल वदेरा को उसने यहाँ पे पवेलियन में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर बुलाया। निहाल वदेरा आते हैं, मारते हैं और सीधा पहुंचा देते हैं मुंबई इंडियंस को 182 रन पे। अब निहाल वदेरा की वजह से यहाँ पे पहुंचा और पारी थी यहाँ पे बॉलर्स की। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी खोज की बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो सबसे बड़ी मतलब एक ऐसे खोज है यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए कि मुंबई इंडियंस से वो सीधा इंडियन टीम में भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आकाश मधवाल ने कल जो बॉलिंग की है एकदम गजब बॉलिंग की है। और आकाश मधवाल मैं आपको बता दूं कि वो बीटेक कर रहे थे और 23 साल की उम्र में उसने यहाँ पे टेनिस बॉल से खेलना स्टार्ट किया और उसके बाद वो सीधा यहाँ पे IPL में आए, जो कि मुंबई इंडियन की बड़ी खोज है। और रवि शास्त्री से आकाश मधवाल ने कहा था कि मेरा अभी बेस्ट आना बाकी है, अगर आपको शुक्रिया करना है तो रोहित शर्मा कीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा ही यहाँ पे मुंबई इंडियंस की गाड़ी को आगे चला के ले जा रहे हैं और हर एक सीजन में यहाँ पे लेके जा रहे हैं। अगर पिछले सीजन की बात करूँ तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग यहाँ पे 9वें और 10वें नंबर की टीम थी, लेकिन अभी देखिए दोनों यहाँ पे क्वालिफाई हो गई है और CSK फाइनल पहुंच गई है और यह पहुंचने वाली मुंबई इंडियंस, बस एक मैच का फासला है यहाँ पे गुजरात, और गुजरात को हराने के बाद मुंबई इंडियंस पहुंच जाएगी। तो तालियां यहाँ पे रोहित शर्मा के लिए। और एक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच होता है तो DJ ब्रावो, जो ड्वेन जॉनसन ब्रावो है, उसने कहा है कि अगर मुंबई इंडियंस फाइनल आती है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस से चेन्नई सुपर किंग बहुत बार नहीं जीती है, मतलब 4 मैचेस में 3 मैचेस ही जीती है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा खौफ है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, प्लेऑफ तो खत्म हो गया होने वाला, मतलब अब यहाँ पे एक ही मैच बचा है, आप लोग राय विचार कीजिए कि अगला मैच गुजरात और मुंबई का होगा उसमें कौन सी टीम जीतेगी।